और ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम आपके घरों पर परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। और आज के दिनों में बहुत ही तकलीफ की बात है जबकि हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त होती है सुनने के लिए। और इस समय पर आप प्रत्येक एक लोग आशीष पाए हुए लोग हैं क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन से शिक्षा मिल रही है। उसी तरह से आप सभी लोगों को हम अभिनंदन देते हैं। और इस समय पर हम बातें करेंगे 6 भेंटों के बारे में जो कि हमें प्राप्त होती है लहू के वाचा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में। और इस समय पर हम इन 6 दानों के बारे में बातें करने से पहले हम थोड़ी बातें करेंगे, वो है उस वाचा के लहू के बारे में। और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो वाचा का परमेश्वर है। बाइबल और 2 वाचा है बाइबल में, जूतांग एक है पुराना वाचा और दूसरा है नई वाचा। जूतांग कूलर जो की अलियांग मामला वाचा का अर्थ ये है कि वो 2 लोग जब वाचा बांधते हैं वो वाचा कभी भी टूटना नहीं चाहिए। हम और आप मनुष्य हैं और हम कभी भी वाचा नहीं बांध सकते क्योंकि हम दूसरी बार बदल सकते हैं अपनी बातों से। लेकिन केवल परमेश्वर जो ना बदलने वाला परमेश्वर है वही जो है वाचा बांध सकता है। और इसी कारण पुराने नियम में हम देखते हैं मनुष्य के साथ वाचा बांधी गई है वो है जानवरों के लहू के द्वारा, और वो भी केवल पापों को ढाकता है जानवरों का लहू, ना कि पापों को क्षमा कर सकता है। और इसी कारण परमेश्वर ने अपने ही लहू को लेकर आया ताकि वो वाचा बांधे। भाई बंगाल नगस्ती की हिब्रू गल नंग बफरा का दुखत का बफरा हादू को दुखत का बखत आर। और इस समय पर आप मेरे साथ देखिए इब्रानी की पत्री 8 अध्याय का 8 पद से लेकर 12 पद तक। ये नहीं पुले का दुखत का बफरा का अंकुम ने नमार हबशम जिंदुना हकी वांग हकमी किसी किनवान अंगुतराई बंगान पलंग का जुतांग का बथमाई बगायेंग इजल बगायेंग जुदारू। पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वे दिन आते ही हैं, मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ओम कर बकुम कता के जितांग ये के बंगला प्लंग बात की खपाजों की है कता के स्नी बंगला बतिन ना किखती ये की ये के बनिया लमनो ये की नगरी इजम ना बकिम शम्याई ने हा कता के जितांग जोंगा यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उसके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी जब वे उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश ले निकाल आया, क्योंकि वे मेरे वाचा पर स्थिर न रहे इसीलिए मैंने उसकी सुधि न ली, प्रभु यही कहता है। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कोई खोट नहीं पाया जानवरों के लहू में उस समय, और उसने ये पाया कि जानवरों का लहू जो है पापों को क्षमा नहीं दे सकता उन समय। लेकिन वो पापों को केवल ढाकता है और हर साल जो है उन पापों को याद करना पड़ता है। और क्योंकि उसने पाया कि उस वाचा में कमी है इसी कारण वो नई वाचा को लेकर आया। और वो भी यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो कालवरी क्रूस पर है। और इतना तक कि उसे जब मारा गया, उसे काटा गया उस कालवरी क्रूस के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है सर से लेकर पैर तक बहा। और यही वो लहू है जो कि हमारे पापों को क्षमा करता है। और क्या हुआ उस लहू के द्वारा? पहला जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है। का उबले उतरे कम लंबा स्नान को जमू।
और एक अच्छा रास्ता भी है जो कि परमेश्वर उसके लहू के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। देन तक दांग इन एकरन मिलता ये कि निक हिंद्रे तो लीगी जिंग आए कि बवान लंबा नाम के जंग उजीसु। और यही कारण है इस समय पर हम बातें करेंगे इन छह दानों के बारे में जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह के वाचा के द्वारा मिलती है। कदखत के बशिफो हदो कदखत के बखत आर के करन कि निक हिंद्रे तो ली ले नाम दस पद से लेकर बारह पद तक हम देखेंगे ये छह ऐसे दानों के बारे में जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के वाचा में हमें प्राप्त होती है। और वो भी नई वाचा के द्वारा जो कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो परमेश्वर का ही लहू है। दस पद जो है वो इस तरह से कहती है नबगने गलों के जितंग या कबंगन पुलों बगये इज़राइल हदीन की तकिसनी ऑंग उतराए नंबो ये का हुकुम जोंगा का जिंगमुट जोंगी पर की दोनों जोंगी बंगन थो ये की नं लंग उपले जोंगी की के लंग उपाय लंग जोंगा वे पो वे बरो उन अम हिकाई या उपरा मर्जन बर वे पो वे बरो ये ला उपरा दा का बंग तो इथो ये उतराए नब बारो केंकिन इथो ये गा नदु उबरित tam hadu ubakraw tam naki nabangan isin ai jingle bomman joki pat igi pop joki ngan amken mau syu da ka bau ong ga jitang ka betmai ngala pelong rim ya kata ka benengkong te kata ka benang rim bat ka benang temen kala jan do no। फिर प्रभु कहता है कि वो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह या कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु की पहचान क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे क्योंकि मैं उसके अधर्म के विषय में दयावान दूंगा और उसके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसके प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और वो वस्तु पुरानी और जिन हो जाती है उसका मिटना जाना अवश्य है। और यहाँ पर हम देखेंगे वो छह ऐसी चीजें कि प्रभु यीशु मसीह का जो वाचा का लहू है वो क्या कार्य करता है हमारे जीवन में। और यहाँ पर हमने इन सारे पदों को पढ़ा ये कि हुकुम जोंगा ओम शो अकाकत गन थो सुंदन हागा जिंगमुत बडगा डोनु जोंकी। और सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आज्ञाओं को जो है मैं लिखूंगा और ना कि कागजों में किताबों में लेकिन उनके हृदय और उनके जीवन में। फिर अगर जितन गब निंकोंग गब रिम उबले उठो आगे माओ शिफो हुकुम। हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो है परमेश्वर जो है वो दस आज्ञा जो है वो पत्थरों पर लिखता है। पंबंद अगर जिंगवान के स्नाम जो यीशु या किता की हुकुम अम थो शो आउ माओ लने का कर बारो कदन हपो जोंगी मिलता। लेकिन हम देखते हैं कि नई वाचा में जो है परमेश्वर जो है अपनी आज्ञाओं को जो है हमारे हृदय और सोच और विचारों में लिखता है। और यही कारण है कि मनुष्य के पास में जो है उसका जमीर होता है अच्छाई और बुराई सोचने के लिए। और यहाँ पर कि वो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वो भी परमेश्वर को ढूंढता है। और यहाँ पर जो है मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही जो है वो ढूंढता है कि परमेश्वर कहाँ है। अगर कोई भी इस बात को ना सिखाए लेकिन फिर भी मनुष्य को पता है उसे पता है कि हत्या करना पाप है और उसे पता है कि कोई भी बुरा कार्य करना वो गलत है क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो है परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में लिखा कथा करने के जूतंग नाम जो ये है वो वाचा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा लिखा है। क्योंकि पुराने नियम में जबकि हम देखते हैं लोगों को पता नहीं कि क्या पाप है केवल जब आज्ञाओं में लिखा गया तब पता चलता है कि ये पाप है।
और यहाँ पर यह हो सकता है कि मनुष्य अपने अच्छे जमीर को जबरदस्ती मार देता है उठो हाकर दो नोट पर के जिंग मोट जोंगी लेकिन आज वो हमारे हृदय और हमारे विचारों में लिखता है कबार दूसरा वोंग बांगांगन लोंग उबले जोंगकी वो कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा ही कने करे कबंग इकमेन ए भले बगस नाम जो यीशु के तरह काम करने ने यहां इसी कारण हम बहुत ही आनंदित होते हैं कहने के लिए कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना कार्य करता है कत कने फिम यो शो हबने बरखंदो क्योंकि इतना जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा कहीं स्वर्ग या पृथ्वी में बकन उबले बथाओ कबने बरखंदो उनोंग बंगा गदे उबले जोंफी कि वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो कहेगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे धर्म के जो लोग हैं वो ईश्वर से इतना डरते हैं जैसे कि वो निगल जाए उन्हें और हम देखते हैं कि पुराने वाचा में जब जानवरों के लहू के द्वारा वाचा होती थी तब भी परमेश्वर से लोग डरते थे इसी कारण बहुत सारे लोग जब परमेश्वर को ढूंढते हैं वो अपने शरीर को तकलीफ देते हैं धन की बसा कुछ लोग हैं जो जंगलों में जाकर रहने लगते हैं ये सोचकर कि परमेश्वर उनसे खुश होगा दन की बखे दंग दुम दंग साव कब नेंग कि शंग पावा बंदुआई बन अंबा उबले शम सुभाएंगे कुछ ऐसे लोग हैं कि सवेरे होने से पहले वो नदी पे पहुंच जाते हैं नहाने के लिए ये सोचकर कि परमेश्वर उनसे खुश होगा दन पर की बदल ले की कम की बबहा बन मुट ब उबले उन सुभा लदंग ले की कम बबहा कुछ ऐसे लोग हैं केवल अच्छा ही अच्छा कार्य करते हैं अपने जीवन में ये सोचकर कि उनका अच्छा कार्य परमेश्वर को खुश करेगा और उन्हें ये नहीं पता कि हमारे परमेश्वर के साथ ये सब कुछ करना जरूरी नहीं है आपको जरूरी है कि आप समझे कि मन फिराना क्या होता है और आपको क्षमा प्राप्त होती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब सोचिए हम पापियों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा ऐसा वाचा आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए सहा बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना अधिक प्रेम किया उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर भरोसा करे वो नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करे सोचिए उसने आज्ञाओं को लिखा ना ही किसी कागजों पर लेकिन आपके हृदय और सोच विचार में और दूसरा वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और ये जरूरी नहीं कि आप अपने शरीर को तकलीफ में दे और कहें कि परमेश्वर आपसे खुश होता है क्योंकि जितना भी तकलीफ जो है वो सारे तकलीफ जो है क्रूस के ऊपर चले गए क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे सारे अच्छे काम जो है वो फटे कपड़े की नाई है अगर हम पूरे मन से जो है प्रभु को ना अपना पश्चाताप न करते हैं नंता का बलाय और तीसरा बाइबल का अंबा निलम की ब्रियो जोंग उ वो कहता है कि हम उसके लोग बनेंगे पी उबले उमक्वा बन प्लंग नियम मेंगी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी धर्म में परिवर्तन करें लड़ा उबले प्लंग नियम में हाँ कम तो नहीं मरी रूबन इम ने प्रथाई अगर परमेश्वर जो है मुझे धर्म बनाता है तो कोई अर्थ या फायदा नहीं इस संसार में रहना कता का जिंगी आप लोग यीशु रियम ना लोग कल परी कलों का बम नंचिंग मन तो एर एम लड़ा उनसे प्लंग नियम में हाँ वो यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरा वो भी कोई फायदे का नहीं है अगर वो मेरा केवल धर्म परिवर्तन करना चाहता कम दे गुमता ऐसा नहीं है परमेश्वर ने हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वाचा बांधा ताकि मैं परमेश्वर का संतान कहला सकूं हालेलुया हालेलुया कता करे के जुतांग जोंग स्नाम जोंग यीशु ये है प्रभु यीशु मसीह के लहू में वाचा कबनन कोंग उठो ए गो हुकुम की दोनो जोंगी बल की जिंगमुत जोंगी सबसे पहले जो है वो लिखता है उन आज्ञाओं को अपने अंदर कब आर उबले बथाओ ए कबनन बखंदो उंडे उबले जोंगी दूसरा है वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया
वो हमारा परमेश्वर कहलाएगा कबला यंगी की नंग पाप उपलंग परमान की खून जो उबले और तीसरा जो है हम पापियों को वो अपना संतान बुलाता है नंता कब साव और उसके बाद चौथा कब बाइबल को अंग बात बारो किन या तिप या उलंग बाय जोंगी सभी लोग जो है उसे जान पाएंगे हमारे द्वारा अगर आप इन पूरे पदों को पढ़े तो आप देखेंगे कि ये उनका अर्थ बताता है क्यों इस समय पर हम खड़े हैं यहाँ से आप लोगों के बीच में शिक्षा या प्रचार कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस तरह से न पुकारे न प्रचार करें तो लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे भी नहीं और इस तरह से जब हम कहते हैं तो बहुत जो लोग हैं आप में से कई लोग जो है यीशु मसीह के बारे में जानेंगे हमारे द्वारा और उसने ऐसा वाचा बाना कि बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को हमारे द्वारा जान सके समय आएगा कि इससे पहले कि यीशु हमें लेने के लिए आ जाए इतना तक कि बीते हुए समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया ऐसे प्रचारों के द्वारा और कुछ ऐसे लोग हैं कि दर्शन में जो है प्रभु यीशु मसीह को देखा और कुछ ऐसे लोग हैं बीमारी के बीच में यीशु को ढूंढते हैं कहते हैं कि अगर तू यीशु प्रभु है तो मुझे चंगाई दे और उन्हें चंगाई प्राप्त होती है क्योंकि उसने ये वाचा बांधा है कि सभी लोग जो है वो यीशु को पहचान पाएंगे एक दिन कबसन और पांचवा उन ईसन एयंगी वो हम पर दया करेगा कथा करेंगे जिंग लॉन्ग का जो उबले ये है परमेश्वर का सबसे बड़ा चरित्र इसी कारण उसने कालवरी क्रूस के ऊपर में जो है हमारे साथ लहू का वाचा बांधा उसे कहा हम तुम पर दया करेंगे और उसके साथ तुम्हारे पापों को मैं कभी याद नहीं करूंगा आप ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है कब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया कब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा उस समय जब हमें और आपको पता नहीं था कि यीशु कौन है इतना तक कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे तब वो हमारे लिए मर चुका है वो तीसरे दिन जी उठा ताकि वो एक दिन हमें क्षमा कर सके मुझे क्षमा मिला बहुत साल पहले आप लोग जो इस समय सुन रहे हैं शायद अगर आज आप उसे अपना ले तो फिर आपको क्षमा प्राप्ति होगी आप सोचिए कि उसने सहा तब जब हम उसे पहचानते तक नहीं थे आप सोचिए कि वो कितना प्रेम करता है आपसे और मुझसे बाइबल बताती है कि उसने अपने लहू को बहाया और उसे कोड़े मारे गए मेरे और आपके लिए वो कहता है कि मैं उन पे दया करूंगा और उनके पापों को कभी भी याद नहीं करूंगा पहला वो अपने आज्ञाओं को हमारे हृदय में लिखता है दूसरा वो हमारा परमेश्वर होगा तीसरा हम उसके संतान कहलाएंगे चौथा सभी लोग उसे पहचानेंगे पांचवा वो हम पर दया करेगा और हमारे पापों को कभी भी याद नहीं करेगा और इसी कारण वो लोग जो यीशु मसीह को ढूंढना नहीं जानते वो सोचते हैं कि वो हमेशा एक पापी है हाँ हम एक पापी थे हमारा और आपका पाप इतना ज्यादा है कि बात करना भी मुमकिन नहीं है बाइबल बारो लेकिन बाइबल बताती है कि उस क्रूस के ऊपर उसने हमारे पापों को क्षमा किया नमर बने क्यों
बहु इसने यंगी क्योंकि उसने हम पर दया की दन कपोर बफी इसने की खोन ये कब किमतिय बकिले बकला समय आता है कि आप अपने बच्चों पर दया करते हैं आपको पता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं कि दन की खोन की बमतिय बाई मैं पाई ये जिकी कुछ ऐसे बच्चे हैं उन्हें पता नहीं कि उनके माता पिता उनसे प्रेम करते हैं ये जो कि मेक पा लड़की खोन की सो थोड़ी कम जो कि मेक पा किला इसने ये की लेकिन माता पिता का प्रेम ऐसा है कि बच्चे समझे या ना समझे लेकिन माता पिता उनसे प्रेम करते हैं और तब जाकर यीशु मसीह भी हमसे वैसा प्रेम करता है जबकि हम उसे जानते तक नहीं फिलहाल मुडर बहु तेजुतंग आप समझ सकते हैं कि उस समय उसने गेतसमनी के बगीचे में अपने पिता के साथ हमारे लिए वाचा बांधा वो नमा गजितांग बरम कदन गजिंग दुना का क्योंकि उसने कहा कि नई वाचा में बहुत सारी कमियां हैं हा गजितांग बरम कमा उबले जोंगी याद रखिए कि पुराने वाचा में परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है हा गजितांग बरम ये की हुकुम लथो हा कमा हा गकत और पुराने वाचा में जो है आज्ञाओं को जो है पत्थर और कागजों में लिखा गया और पुराने वाचा में मनुष्य जो है एक पापी है वो परमेश्वर के संतान नहीं है पुराने वाचा में लोग जो है मनुष्य को नहीं पहचानते पुराने वाचा में जो है पापियों को हमेशा मौत दी जाती है उबले उम इसने यकी परमेश्वर उन पे दया नहीं करता क्योंकि परमेश्वर आदम के पाप को हमेशा याद करता है आपको पता है कि पाप क्या है पाप वो नहीं है जो आप करते हैं लेकिन पाप वो है कि जो पहले व्यक्ति ने परमेश्वर के खिलाफ किया क्योंकि वो पहला मनुष्य का लहू जो है वो परमेश्वर से दूर हो गया जिसका नाम है आदम पाप का अर्थ होता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो है अलगाव है एक बंगी पाप मनता आज के दिन जो पाप हम करते हैं ये उस पाप की नींव से निकल कर आती है जो कि पहले आदम ने किया इसी कारण उसी रिश्ते को वापस लेकर आना धर्म कर नहीं सकता और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा वाचा बांधा है ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिल सके यानी कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर एक हो सके उसने अपनी आज्ञाओं को हमारे हृदय में लिखा उसने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ हम परमेश्वर के संतान होंगे हमारे द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानेंगे हम पर वो दया करेगा और हमारे पापों को वो कभी याद नहीं करेगा और छठा उपलोंग यंगी का जज बन रहे हो का बलजीत जंग ओ उसने हमें अपने चुने हुए जाति के लोग बनाया फीला भी पेट बने है का बाइबल है का नेगा लनों का बफरा अगर आप बाइबल में ध्यान पूर्वक देखे आठ अध्याय फी उबले उला अपन लोंग उपाय की नेके के उला ये साइ लुपा बंगी गिन सलोंग कुम ने कहता का पर परमेश्वर ने यहाँ पर उन सारे चीजों को उसी तरह से रखा कि आज हम हैं जिस तरह से हम हैं इसी कारण कोई भी धन कोई भी दौलत सोना चांदी नहीं जो हमें ये दे सके कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसा हो जाता है जैसे कि हमने कभी पाप नहीं किया बट ये कहता रु कदे तंग नमर बउ जीसु उया ते जी तंग बट लाउ जोंग पा कुमनो बउन जाओ कसनाम नमर जोंगी और वो भी केवल इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने वाचा को बांधा अपने पिता के साथ ताकि वो हमारे लिए अपने लहू को बहाए कने कने कते कते कबंगी लोंग उ ए हाउ क्रिस्ट जीसु ये है वो चीज जो हम कहते हैं कि हम कौन है यीशु मसीह में नकवा बनोंगी कने हुए और हम इस चीज को कहना चाहेंगे आपको पता है कि शैतान किस चीज से डरता है वो डरता है कि आप कहीं यह ना जान ले कि आप कौन है यीशु मसीह में ये चीज है कि शैतान इस चीज से बहुत घबराता है
वो खुश होता है कि अगर आप धर्म में उस उतना माल रे फीम गजे गम गो भा वो खुश होता है अगर आप एक अच्छा जीवन जीते नमर तंग गजे लोंग नियम बगजे मबहा छ दुजो गिन ले दे क्योंकि एक धर्म में होना और अच्छा जीवन हम नरक ही पहुंचेंगे रे गबा उतिंग ए कलोंग यो फितिप उ ए फिलोंग हाउ जीसस क्राइस्ट लेकिन वो डरता है कि कहीं आप ये ना जान ले कि आप कौन है यीशु मसीह में उन ये ले कट बला बन पर मला ए गजे मुत जोंकी प्रियो बकिन मी थो यो जीसस और वो करेगा जितना वो कर सकता है कि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को न जाने हम तम ए यकीनी कि जिते जितांग बबले उ आयेंगे हदो करने खास करके ये सारी वाचा जो कि परमेश्वर ने हमें दी है बला रंगी प्रियंग यो यीशु को दो नोट जोंगी कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अपनाते हैं उन बो ये दो नोट का बरे उबले पो जोंगी वो जो है प्रभुता का जीवन हमारे हृदय में रखेगा बंगी ही शक्तियां उबले नुमले कनो नो कपो ताकि हम परमेश्वर से डरे और कोई पाप ना करे उन आएगी यो मन सेम बखो जो उबले वो हमारे अंदर अपनी आत्मा को देगा बगत का जिंग वाट ब्ले जोगी कदा लोंग बट के जिंग मुड के बबहा ताकि हम जो परमेश्वर को ढूंढते हैं हम अच्छे मन से उसे ढूंढते हैं फी दे हंगता ब उसतान उखांग इगी ब्रियो किन तिप येगने और यही पर जो है शैतान रोक कर रखता है कि लोग जो है इस बात को न जाने हदो मनता मने की बबोन की दंग कन्या रे स्नाम की मरा आज के दिनों तक हम देखते हैं कि कई बार लोग जो है जानवरों के लहू बहाते हैं नमर उब्रिय उसो थोई बकस्नाम कदन ए यंगता क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक मनुष्य को पता है कि लहू में कुछ तो है तंकवई ब उमते बकस्नाम की मरात कमदन कबोर बनमा सुंदन येंगे केवल एक चीज जो लोगों को नहीं पता वो है जानवरों के लहू में सामर्थ नहीं कि हमारे पापों को क्षमा कर सके कस्नाम की मरात कमला बन पलंग येंगा उहोन योंगले जानवरों का लहू मुझे परमेश्वर का संतान नहीं बना सकता देना तक दाओ बगस नाम जो यीशु कदेगा स्नाम के जितांग का प्रथम माय कब यते बतनी बगिन एम जो नाम और इसी कारण जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू एक वाचा है ताकि वो हमारे साथ बांध कर रखता है नंगे कर बंगन क्रेन के खुबोर के क्लिप मान और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जब तक हम इस परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं दन प्रेम यू भी कि प्रियंग यू यीशु के जिंग एम अगर आप में से कोई है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया जीवन में कथा के जिंग प्रियंग यू भी का शिलोंग तंग बफिला सु प्रियंग यू यीशु लेकिन आपने यीशु मसीह को अपनाया केवल क्योंकि आप उसे अपना चुके हैं लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि आप कौन है यीशु मसीह इस समय पर आप जाने कि आप कौन है यीशु मसीह और आप लोग जो पहली बार सुन रहे हैं हम कहना चाहेंगे रुक जाइए जानवरों के लहू बहाने से मनुष्य का लहू भी हमें क्षमा नहीं कर सकता कमरान ले गए हपो जंगी की ब्रियो हम देखते हैं जानवर तो मनुष्य के अंदर है ते कुमनो को तक हपो जंगी गन माप यंगी किस तरह से वो जो हमारे नीचे है वो हमें क्षमा करे दे तक ना वो यीशु यते जितांग दला के जों का स्नाम इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे साथ वाचा बांधा बका स्नाम का बखलम दनिया का पप हका वो लहू जिसमें कोई पाप नहीं है कसनाम का बमदन रुई एक जिंगतिम हका वो लहू जिसमें कोई श्राप नहीं है कुमताकेन बहु यते जितांग बनगी दगनिया का स्नाम इसी कारण उसने वाचा बांधी है हमारे साथ उस लहू के द्वारा बलै फिम प्रियंग यो यीशु गने खलेप मान क्यों आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाते बलै फिम शुड वाई ओ अत्रा यीशु अतो कत का स्नाम जेवे गदन बोर गता मा ये गाम तक खलेप मान क्यों आप ये नहीं कहते कि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में सामर्थ है मेरे पापों को क्षमा करो नाउ ब्लै जों फी रे ब्लै उबखराउ तम ए उमा फा यो यीशु बन आए गस स्नाम नमर जों फी नमर जों और वो परमेश्वर वो इतना महान परमेश्वर है जिसने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे लहू बहा सके हमारा और आपका उद्धार करे बकुमता बगजिंग शकरी ब्लै के जो भी कमडे तंग बचू तियंग बपन तियंग की ब्रियो इसी कारण आप जो परमेश्वर की सेवा करते हैं इसलिए नहीं कि लोग आपको डराते या घबराते हैं कनुम कुत तंग की जिंगले जो भी फिर अम उब्लै सो भाई फी केवल आपके कार्यों में नहीं होगा कि परमेश्वर आपसे खुश होगा कुमन अंग नो फिम दन कम बन ले पॉप लादब खाए फी का पॉप जैसे कि हम कहेंगे जरूरी नहीं कि आप पाप करें क्योंकि आपको पाप में ही जन्माया गया है चाहे आप धार्मिकता हो फिर भी आप पापी है इसी कारण जरूरी है केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू की केवल वही है जो हमारे पापों को छुटकारा दे सकता है हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को बुलाए और उसके लहू से विनती करें
और हम ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धर्म नहीं परिवर्तन करता कस नाम जों यीशु का प्लंगी की खून उबले प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें उसके संतान बनाता है ये उबले रुबौडे उबले जोंगी बनाता है कि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है कपलंग यंगीर बंगिन इथो यू और बनाता है कि हम उसे पहचान सकते हैं कपलंग यो ब्लेव ऑन इस ए यंगी वो बनाता है कि परमेश्वर हम पर दया करता है कपलंग यो ब्लेव ऑन नम कन माउशु की पाप जों बनाता है कि परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता कपलंग यो ब्लेव ऑन पलंग यंगी कजाज बनरियो कबला जियत जों वो बनाता है कि हम चुने हुए लोग बने नक्वा भिन पुले बने आइनी की दिखत मंगला पुले में इस समय पर हम चाहेंगे कि आप फिर से उन पदों को पढ़े बकात बफिनंग पुले फिसियो ई दोकात नो बकात स्नाम जों जितंग जब आप उसे पढ़ते रहेंगे आप देखेंगे कि कितना सामर्थ है उस परमेश्वर के लहू में अगर आपके बीच में कोई है जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाना चाहता है उसे पुकारे विश्वास से बुलाएं हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता इस समय पर हम आपके सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह के मिठास नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए जाओ हलोम कालबरी नमर जोंगा बर जोंगी कालबरी क्रूस पर आपने बहाया उसे मेरे और आपके लिए मैं ये करता करता यंगी वाला रंगिम पत इथो ये में परमेश्वर आप हमसे इतना प्रेम करते हैं भले ही हम आपको न जाने मेरा रबशा शीतम नकबता जोंगी हकपोर बंगी ले लेंगे रंग इसी ये में परमेश्वर आपने हमारे लिए सहा तब जब हम आपसे नफरत करते थे इसी कारण परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सारे मूल्य लोगों से दया करें उनकी आत्मिक आंखों को आप खोलें ताकि परमेश्वर वो समझे कि लहू में कितना सामर्थ है ताकि आप उनके पापों को क्षमा कर पाए और वो आपके संतान कहलाए परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप उन्हें क्षमा करते हैं मुझे पता है कि उनमें से हैं जो वो आपको बुलाते हैं क्योंकि आपने कहा कि जो कोई आपको पुकारेगा उनका उद्धार होगा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप उनका उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन